हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम न्यू बोर्न बेबी के लिए कैप बनाएंगे। जैसे हम टी शर्ट से कैप बनाएंगे, जैसे ये मैंने टी शर्ट ली है, ये हमारी इस तरह स्ट्रेचेबल होनी चाहिए टी शर्ट। तो ये टी शर्ट की हम कटिंग करेंगे। जैसे ये टी शर्ट है तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे, दोनों पीसीस को इस तरह से कट कर लेंगे, दोनों साइड से कट करके रेडी करते हैं। अब ये एक पीस मैंने कट कर लिया है, ये हमारा जॉइंट है, इसे भी हम कट कर लेंगे। अब ये पीस मैंने बराबर रख के कट कर लिया है। अब ये पीस हमारा यहाँ से मेजरमेंट में 14 इंच है और इस साइड से ये हमारा 16 इंचेस है। अब ये हमारा टी शर्ट का कपड़ा होता है तो ये हमारा स्ट्रेचेबल होता है, तो स्ट्रेचेबल कपड़ा लेंगे यहाँ पे तो हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा ये कैप। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे, अब फिर हम एक और फोल्ड करेंगे, इस साइड को करेंगे, ये लाइनें हमारी इस तरह आएंगी। अब ये हमारी फोल्डेड साइड है, ये हमारे खुले पीस है। अब इसका हम सेंटर लेंगे, ये सेंटर पॉइंट आएगा हमारा, इस तरह भी फोल्ड करके हम सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब ये साइड है हमारी, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इस साइड में भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये निशान मैंने लगा दिए हैं, यहाँ हमारे दिख नहीं रहे तो मैं पेंसिल से लगा रही हूँ। अब ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमें इस तरह से राउंड में ऐसे शेप बनानी है। ये एक साइड में मैंने ऐसे शेप बना दी है, दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से यहाँ तक शेप बनाएंगे। अब ये शेप हमारी इस तरह से बन गई है, यहाँ से हम कट कर लेंगे। कपड़े हमारे एकदम बराबर होने चाहिए सभी, जिस तरह हमने निशान लगाया है उसी तरह हम कट कर लेते हैं। अब ये कटिंग मैंने कर दी है, अब इस कपड़े को हम इस तरह से खोलेंगे, ये मैंने ऐसे खोल दिया है। अब इस तरह से एक बार हम और खोलेंगे, ये कपड़ा हमारा इस तरह से आ गया है। अब ऐसे हम रखेंगे और ये कपड़ा है, ये हमारा जो जॉइंट यहाँ से कट है, इसको हम ऐसे रखेंगे बराबर करके और इस साइड का भी ऐसे रखेंगे। अब ये कपड़े को मैंने इस तरह से रख दिया है, ये हमारे डबल हो गया है यहाँ पर। अब जैसे ये हमारा जॉइंट है, अब इस तरह से है पीस, यहाँ पे हमारा ये सेंटर है, इस तरह से यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। ये पीस है, इसको भी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ तक सिलाई करेंगे। अब ये निशान मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया है और यहाँ से यहाँ तक और इस साइड में भी हमें यहाँ तक लगाया है सेंटर तक। अब हम सिलाई करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक चारों कोनों में। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है चारों साइडों में। इसके बाद अब ये हमारा इस तरह से है ये पीस, तो ये पीस है हमारा, इसको हम इस तरह से ऐसे लेंगे और ये दूसरा पीस है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। जैसे ये दोनों पीस है, इनकी ये सिलाई हमारी इस तरह से बराबर आनी चाहिए और यहाँ से हमारी ये कटिंग है, यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए एकदम बराबर रख के कपड़ा यहाँ से सिलाई इस तरह से यहाँ तक ख़त्म करेंगे। यहाँ हमारा ये कट है तो सिलाई लगाते हैं यहाँ तक। अब ये सिलाई मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दी है। सिलाई लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, इतना प्लेस हम यहाँ पे सिलाई नहीं करेंगे, इतना प्लेस हम रखेंगे इसी तरह से। ये मैंने ऐसे जैसे खुला रखा है, यहाँ से हम सीधा करेंगे कैप को। तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये ध्यान रखिए, ये हमें इतना पार्ट छोड़ना है खुला, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी। अब सिलाई हमारी लग गई है तो यहाँ से हमें सीधा करना है अपनी कैप को। इस तरह से हम ये कॉर्नर है, इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ये इस तरह से हमारा निकल जाएगा। अब ये कैप को मैंने सीधा कर दिया है इस तरह से। अब ये हमारी ओपन स्पेस है, यहाँ पे हमने सिलाई नहीं की थी, यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम मशीन से सिलाई लगाते, हाथ से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हाथ से भी हम सिलाई लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा ओपन स्पेस है तो हम यहाँ पे नीडल में इस तरह से धागा डाल लेंगे और एक साइड इधर की और एक इधर की लेके यहाँ पे सिलेंगे।
नीचे का कपड़ा हमारा नहीं आना चाहिए, यही दोनों साइड के आने चाहिए कपड़े। इस तरह से ये सिल देंगे हम। अब ये ओपन स्पेस मैंने यहाँ पर सिल दिया है। अब देखिए ये हमारा राउंड में इस तरह से बना है, कैप का ऊपर आएगा ये हमारे हेड पे इस तरह से, और ये दूसरी साइड है ये भी हमारा इस तरह से बना है। अब एक साइड है ये हमारी, ये कॉर्नर है हमारा, यहाँ पे हम नीडल को ऐसे इस तरह से डबल धागा डाल के ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे नोट लगा लेंगे। अब ये यहाँ पे धागा है हमारा, और इस कपड़े को हम अंदर की ओर ले जाएंगे। जैसे ये हमारा ये दूसरा है, ये हमारा हेड का, इसके बराबर ऐसे रखेंगे दोनों को, इस तरह से मिला लेंगे देख के थोड़ा यहाँ से। अब ये नीडल यहाँ से मैंने ली थी, यही नीडल हम पीछे को ले जाएंगे। यहाँ पे हमें दो तीन स्टिच देके इसे दोनों को सेट करना है, नहीं तो ये हमारे ये हिलते रहेंगे, इसलिए ये दोनों हमें बराबर यहाँ पे स्टिच करके अच्छे से सेट कर लेने हैं। इस तरह से हम तीन चार यहाँ पे स्टिचेस दे देंगे, जिससे ये हमारा एकदम पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे दो तीन नोट लगा के ये धागा हम ख़त्म करेंगे, यहाँ पे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने धागा कट कर लिया है। अब कैप हमारी इस तरह से बनी है, जैसे इस तरह से हम कपड़े जो भी हमारा है इस तरह से थोड़ा हम सेट करके बराबर हो जाएगा हमारा कपड़ा। अब देखिए ये कैप का हमारा ये ऊपर का हिस्सा है इस तरह से बना है, ये भी हमारा एक डिज़ाइन बन गया है इस तरह से। अब इस तरह से हम सिलेंगे तो ये अंदर की साइड जो हमारी सिलाई है वो भी हमारी नहीं दिखेगी, ये हमारी अंदर हो जाती है सिलाई इस तरह से। अब ये हमारा यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको, एक या डेढ़ इंच तक फोल्ड कर लेंगे। अब ये अंदर को मैंने फोल्ड कर दिया है इस तरह से कपड़ा, यहाँ पे कोई पैच भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी हम पहन सकते हैं। तो यहाँ पर हम टी शर्ट की जगह हमारे पास अगर गर्म कोटी है, स्वेटर है, तो उसका भी हम इसी तरह से बना सकते हैं, तो वो सर्दियों के लिए एकदम बेटर हो जाएगा। ये देखिए जब हम बच्चे के हेड पे पहनाएंगे तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन आएगा। अब ये कैप हमारे जैसे 6 महीने से लेके बेबी को 1 या 1.5 साल तक आ सकता है इस मेजरमेंट में। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो आप थोड़ा छोटा रख लें, जैसे हमने स्टार्टिंग में मेजरमेंट लिया था उससे 1-1 इंच कम रख लें, तो हमारा न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेबी के लिए कैप बनके रेडी हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।